सिंपल कुकिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बूरा चीनी, जो लड्डू वगैरह में पड़ती है। बूरा चीनी बनाने के लिए हमने लिए एक कटोरी, ये जो नॉर्मल वाली अपनी शुगर होती है चीनी, उससे लिए हैं। हम इसमें डाल देंगे कढ़ाई में। इसके लिए या तो आप नॉन स्टिक कढ़ाई लीजिए या भारी तली वाली स्टील की कढ़ाई लीजिए, उसमें काफी अच्छा बनता। और हम लेंगे उसमें एक तिहाई, हमने एक कटोरी चीनी ली है उसका एक तिहाई हम इसमें पानी डालेंगे। गैस को हम ऑन करते हैं। गैस का फ्लेम हम इतना रखेंगे, ना फुल रहेगा, पूरे फुल पे नहीं रहेगा, मीडियम में रहेगा। और इसे हम चलाएंगे लगातार। इसका बूरा बनने में 7 से 8 मिनट का टाइम लगेगा। देखिए चीनी को लगातार चलाते हुए अभी 2 मिनट हुआ है और ये गाढ़ापन इसमें आना शुरू हो गया है। अभी इसको और हम पकाएंगे जब तक इसका बूरा बनकर तैयार नहीं होगा। देखिए इसको हमको चलाते हुए पूरा 5 मिनट हुआ है और ये एकदम गाढ़ी हो गई है। इसको हम बंद कर देंगे क्योंकि चीनी बहुत तेज है, गैस भी गर्म है। अब इसी में इसको हम चलाएंगे तो इसका बूरा बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए इसका बूरा बनना तैयार हो गया है। देखिए हमारी कढ़ाई भी गर्म थी और गैस का बर्नर भी गर्म था। अब इसी समय हम इसको फटाफट प्लेट में निकाल लेंगे, नहीं तो ये कढ़ाई में जम जाएगी। देखिए गरम गरम में ही हम इसको कटोरी से हल्का हल्का दबा देंगे और यह ठंडा होने पर, ये टाइट हो रहा है, ठंडा होने पर हम इसको मिक्सी चला देंगे तो ये बिल्कुल बाजार जैसा बूरा बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए हमने इसको मिक्सी चला लिया है और इस तरह का ये बूरा बनकर तैयार हुआ है। यदि आपको और महीन चाहिए तो आप इसमें 2 से 3 बार और मिक्सी चला लीजिएगा तो बिल्कुल चिकना हो जाएगा। और मुझे इसी तरह का बूरा पसंद है, इसलिए मैंने इसको सिर्फ एक बार ही मिक्सी के जार में डालकर चलाया था। बूरा बनकर तैयार है, आप इसे बनाइए और मुझे बतलाइए आपको कैसा लगा। आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।